गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम HR सिंह, योर इंग्लिश टीचर, एंड आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम्स एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली एंड लर्न ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, टूडे वी विल लर्न द न्यू चैप्टर, दैट इज निगेटिव सेंटेंस. इट इज़ अवर न्यू टॉपिक एंड टॉपिक नेम इज निगेटिव सेंटेंस. What is the meaning of negative sentence? Negative means जिस sentence में not लग जाता है, नकारात्मक वाक्य बन जाते हैं, तो वो negative sentence कहलाते हैं. ठीक है, अब हमें देखो, जब हम बनाते हैं sentence तो उसमें थोड़ा सा rules हमें पता होना चाहिए. तो rule number वन, if helping verb किसे कहते हैं, is, are, am, was, were, has, have, can, could, may, might, will, shall, must, etc. All these things are helping verb. Okay? और इस ये सब क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं. तो अगर ये सेंटेंस में कहीं दे रखी हैं जो मैंने आपको पढ़ी है, इज़ आर एम वॉज वर हैज़ हैव कैन कुड मे माइट वुड मस्ट, है ना, ये सब चीज़ें अगर सेंटेंस में दे रखी है और हमें निगेटिव बनाना हो, तो हमें इन हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना है. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ही इज़ ए डॉक्टर, तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज़ आ गई. तो इज़ के बाद क्या बनाएंगे, ही इज़, केवल नॉट मेंशन कर देंगे, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, बस निगेटिव बन जाएगा. ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यू विल प्ले ए मैच, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, देखो विल आ गई, तो हमने क्या लगाया, यू विल नॉट प्ले ए मैच. इस तरह से आपको इसमें केवल नॉट ही मेंशन करना, अगर इस तरह की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कहीं दे रखी है थे. ओके, एंड सेकेंड रूल, इफ बी टू इज गिवन इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन डिड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट एंड बी वन, यानी कि अगर सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो आपको डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म करनी है. जैसे एग्जाम्पल है, ही कुक्ड द फूड, तो कुक्ड यहाँ पर क्या है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, वी रिमेंबर दिस इज सेकेंड फॉर्म. अब हमें निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट कुक द फूड, तो हमने इस सेकेंड फॉर्म को ब्रेक किस चीज़ में किया, डिड नॉट, मगर जब डिड नॉट मेंशन हो गया तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बता रखी है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड, इफ बी वन इज गिवन, अगर सेंटेंस में सेकेंड फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में दे रखी है, तो हमें सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस बी वन इज यूज, यानी कि डू नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. जैसे एग्जाम्पल, दे गो टू सिटी, तो हमने क्या बनाना है, कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, ये गो फर्स्ट फॉर्म होगी, तो दे डू नॉट गो टू सिटी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को किस चीज़ से ब्रेक करा हमने, डू नॉट से, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, तो हमने यहाँ पे डू नॉट मेंशन कर दिया, डू नॉट. ठीक है, फोर्थ, इफ बी वन एस और ई एस, यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कहीं दे रखा है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट प्लस डज नॉट एंड बी वन इज यूज्ड इन द सेंटेंस, यू हैव टू रिमेंबर. ओके, क्या अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दे रखा है और उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है ना, तो वहाँ पे आपको ये पहचान करनी है कि वर्ब में एस दे रखा है, देखो ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ही डज नॉट, है ना, हेल्प मी. ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो आपको केवल नॉट लगाना है. ठीक है, जैसे ये दोनों एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको, अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आपको डिड नॉट मेंशन करना है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. जैसे ये रहा, ही कुक द फूड, तो ही डिड नॉट कुक द फूड हो जाएगा, है ना. थर्ड, अगर बी वन इज गिवन इन द सेंटेंस, तो वी हैव टू मेंशन एंड रिमेंबर दैट डू नॉट इज यूज्ड इन द विद द फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू स्कूल, सो वी हैव टू मेंशन दैट दे डू नॉट गो टू स्कूल. नेक्स्ट वन, इफ वी वन एस और यस इज गिवन इन द सेंटेंस, सो वी हैव टू यूज डज नॉट with B1, and after that B1, you know, S or yes E is removed when we use does not, यानी जब हम does not लगा देते हैं तो verb sentence में जो verb में S या ES होगा वो S या ES रिमूव हो जाता है. जैसे he helps me, तो क्या हो जाएगा, he does not help me. ठीक है, इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है. ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे और इसको थोड़ा ध्यान से और राइटिंग को बड़े ध्यान से करेंगे. ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके ओके.
बाय।